इसके पेट में तो बेबीज पूरा नजर आ रहे हैं यार। नो अभी देखो, हाँ ये देखो 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 देखो, वो ब्लैक वो बेबीज की आईज है भाई, सकते बेबीज देखिए। दो ये ऐसे ही मेरा बहुत सबसे फेवरेट स्ट्रेन है, सबको पता ही है। प्लस जो क्वालिटी लेके आए ना माशाल्लाह, बहुत प्यारी क्वालिटी है। चलो अमन भाई, ये कौन सी वाली देख रहे हैं, इसकी डिटेल बता दो जरा। सो भाई शारिक भाई, अभी अपन जो देख रहे हैं ये किंग कोई पहली बार मैं तो देख रहा हूँ, क्या है मतलब डिफरेंस वो एक बार बता दो। शारिक भाई ने कॉल करके बोला कि उनके पास नया स्टॉक आ गया है, तो आज हम आ गए वो कवर करने के लिए। बट नया स्टॉक तो दिख रहा नहीं है भाई, स्टॉक कहाँ है? वालेकुम सलाम। देखो ना भाई, अच्छा अभी अनबॉक्सिंग पेंडिंग है क्या? मैं बोला ये बार दिखा देते अनबॉक्सिंग के साथ, बहुत टाइम हो गया थोड़ा नया। चलो फिर अनबॉक्सिंग करते हैं और अकॉर्डिंगली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम है अमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसमान एडवेंचर। सो भाई ये तो बहुत अच्छा काम किया, आज अनबॉक्सिंग भी दिखा देंगे किस तरीके का शिपमेंट आता है। लोग छोटी अनबॉक्सिंग बेचते ना अपने को एक दो पैर के, अपन बड़ी आज बड़ी अनबॉक्सिंग देखेंगे अपन। सो देखो इतने फिशेस है और यहाँ पर भी एक बॉक्स है, ये दोनों बॉक्स ओपन कर रहे हैं। छोटा शिपमेंट है भाई, तीन स्ट्रेन का। हाँ ये ज्यादा है अपना, ये मेन अपने स्टॉक आता है उधर का, ये वाला। अच्छा तो क्या दिखा रहे हो इसमें से पहले? ये अपनी जो ट्रेंडिंग स्ट्रेन है, हाँ ज्यादा सेल होती है, एएफआर वो दिखा देते हैं। ठीक है दिखाओ जरा, एएफआर के पीस है, थोड़ा डल रहेंगे भाई रेड में। हाँ जस्ट अब भी आए ना, आने के बाद फिर दिखेंगे। ठीक है तो एक बार अच्छे से इनका व्यू अपन दे देते हैं। हाँ टैंक में दिखा देंगे ना। हाँ सो भाई क्या डिटेल्स है इसका? अल्बिनो फुल रेड है भाई। हाँ फ्लावर डोर्सल। और क्या प्राइस में है ये? 250 रुपीस पेयर आएगा। ठीक है कंपैरेटिवली भाई साइज थोड़ा छोटा है, बट कैसा है, अच्छा लाइनेज है, फ्लावर डोर्सल का ही है। और अपना क्या बोलते हैं, लोग थोड़ा ज्यादा पसंद कर रहे हैं कॉम्बो ऑफर्स। अच्छा हाँ हाँ, तो एक पैर 250। ठीक है दो पैर 450। दो पैर लेंगे तो 450 रुपीस ना, साइज छोटा है लेकिन स्टिल डोर्सल अभी से उनका काफी अच्छा नजर आ रहा है। थोड़े डिसेंट साइज है, डोर्सल अच्छा ग्रोथ होएगा क्योंकि लास्ट टाइम भी ये इसका बैच भी सेल किया तो अच्छे मेल्स निकले बाद में कस्टमर्स के पास। ठीक है भाई नेक्स्ट देखते हैं। सो भाई अभी सेकंड स्ट्रेन पर्पल बेरी भाई, पर्पल बेरी है डंबो एयर में। ठीक है सो भाई पर्पल बेरी ड्रैगन का क्या डिटेल्स है? पर्पल बेरी भाई पर्पल पल पल 250 रुपीस पेयर है भाई डब्बो है, लास्ट टाइम भी अच्छा सेलिंग हुआ वो हिसाब से मंगाया 250 का पेयर। हाँ मतलब अपना रिक्वायरमेंट नहीं, कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंगाया है ऐसा। हाँ मतलब ये पीपल्स चॉइस में आ गया। हाँ अभी फिलहाल ये टाइम पीपल्स चॉइस वाली ज़्यादा स्ट्रेन है थोड़ी। चलो सही, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे भाई, जैसे उनका फिन्स पेक्टोरल फिन्स टेल्स वगैरह सब कलर पैटर्न सब बहुत अच्छा है, और सबसे इम्पोर्टेंट एकदम अच्छी थिक बॉडी भी दिख रही है उनकी, हेल्दी पीसेस है काफ़ी। सो इसका कितना? 250 रुपीस फॉर अ पेयर। हाँ ये 250 नहीं, इस पे कॉम्बो नहीं भाई। सो गाइस आप लोगों के लिए मैंने इशारे में पूछा भाई को कॉम्बो है कि नहीं है। हाँ। तो इस पे फिलहाल नहीं है क्योंकि अमान भाई कोशिश कर रहे थे आप लोग के लिए, बट अभी मैं सब पे नहीं दे सकता कॉम्बो। ठीक है 250 वैसे भी बहुत अच्छा ही प्राइस है, रीजनेबल प्राइस ही है इसका क्वालिटी के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं भाई। भाई अभी कौन सी निकाल रहे हो? अभी ये बॉक्स की लास्ट ट्रेन भाई, और ये भी ट्रेंडिंग डंबो एयर में। अच्छा हाँ भाई लास्ट टाइम बहुत रिक्वायरमेंट था इसका। ठीक है चलो अच्छे से दिखा देते। तो भाई ये कौन सी स्ट्रेन है, इसका भी डिटेल्स बता दो जरा। इसका डिटेल्स तो भाई अगर तुम बोलते मैं बताऊंगा तो भी मैं तुमको आज नहीं बताने देता, क्योंकि ये ऐसे ही मेरा बहुत सबसे फेवरेट स्ट्रेन है, सबको पता ही है। प्लस जो क्वालिटी लेके आए ना माशाल्लाह, बहुत प्यारी क्वालिटी है। सो अगर आपको कुछ काम है तो करके आओ, जब तक मैं इसका डिटेल्स पूरा कवर कर लेता हूँ। सो गाइस ये प्लैटिनम रेड टेल डंबो ईयर्स है राउंड टेल में, और इसका प्राइस आपको आ जाएगा, देखा है तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी के हिसाब से प्राइस तो काफ़ी हाई होगा अगर कहीं और देखोगे तो, बट शारिक भाई के पास ये 200 रुपीज़ फॉर अ पेयर मिल जाएगी। सही भाई? हाँ भाई बोल दिए तो भेज दिए, ऐसा है अभी वो कम नहीं। अच्छा तुम गए नहीं कुछ काम करके आओ? मैंने अभी तुम प्राइस पूछने वाले देख लिए रुका था। नहीं नहीं मेरे को मालूम है तुम्हारा प्राइस जो है वो रीजनेबल ही रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह। सो 200 रुपीज़ का पेयर आपको ये मिल जाएगा, और क्वालिटी आप देखिए गाइस, उसका ईयर देखिए, टेल देखिए, बॉडी कुछ भी देख लो,
कलर वगैरह सब बहुत अच्छे। चीज ऐड करूंगा भाई, जो फिश पे अपन ने दिखा है ना कॉम्बो उसमें है, जिसपे नहीं बोल रहे तो मतलब समझ लो कॉम्बो नहीं है, प्लीज मत पूछना है, इसमें कॉम्बो मिल जाएगा। सो गाइस इनडायरेक्टली शारिक भाई बोलना चाह रहे कि इसमें कॉम्बो नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि आप इसका क्वालिटी देखो, इसमें कॉम्बो पैसा और 10-20 कम करने का वर्थ नहीं है भाई, ये महंगी चीज है, ये 250-300 का सेल करने वाला चीज है। पीस तो माशाल्लाह बहुत अच्छे, और इससे रिलेटेड एक चीज भी बताने वाला हूँ मैं, सो वीडियो लास्ट तक देखना। नहीं, तुमने बताओगे, मैं बताऊंगा। शारिक भाई बताएंगे प्लैटिनम डम्बो ईयर्स के रिलेटेड कुछ, तो पूरा वीडियो देखना ताकि आपको भी पता चले। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई? ये भाई ड्रैगन है, ड्रैगन ड्रैगन, अभी इसमें रिबन नॉन रिबन दोनों है, ठीक है वो दिखा देंगे। सो भाई ड्रैगन का क्या डिटेल्स है? रेड ड्रैगन डार्क नाइट है भाई, हाँ। बट ये बार थोड़ा ऐसा है कि अपन सेट में बेचेंगे, ठीक है। तो ये जो पेयर है ये बड़ा साइज का, लास्ट टाइम 250 का अपन ने सेल किए, हाँ। और रिबन तो अपन ने 450 से सेल किए थे, ठीक है। तो सेट जो लेगा वो 600 रुपीस का आएगा, जिनको सेट नहीं मालूम है तो एक रिबन का पेयर और एक नॉन रिबन पेयर, ठीक है, तो ये 600 में आएगा, ठीक है। और अपने व्यूअर्स लोग के लिए ऑफर, अच्छा इसमें भी ऑफर, हाँ, दो सेट जो लेगा उसमें 1100, दो सेट लेंगे तो 1100 का सेट हो जाएगा। और भाई ये जो कॉम्बो ऑफर देता है ना ये सब फाइनल प्राइस है, इसमें बार्गेन वार्गेन का मसला नहीं है जरा भी। अच्छा मतलब ये फिक्स जो प्राइस बता रहे हैं, ये कॉम्बो दिया है इसमें 1 रुपए ऊपर नीचे नहीं होगा, जो प्राइस वही प्राइस। खाली आप रिबन देख लो, रिबन में अपने पास थोड़ा ऐसा साइज का है, नॉन रिबन साइज अच्छे खास है, ये समझो ना सेमी एडल्ट बैच है, ये थोड़े एडल्ट साइज के। ओके ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्या देख रहे हैं? व्हाइट टक्सीडो है भाई, ये बार थोड़ा अच्छी लाइन है और रिबन फीमेल से, अच्छा नॉन रिबन फीमेल दोनों मिक्स साथ में, ठीक। अमन भाई ये कौन सी वाली देख रहे हैं, इसकी डिटेल बता दो जरा। सो भाई शारिक भाई अभी अपन जो देख रहे हैं ये व्हाइट टक्सीडो है, और इसमें अपने पास अलग अलग मतलब दो स्पीशीज है, मतलब स्पीशीज तो एक ही है बट दो अलग अलग है, जैसे कि एक फीमेल आपको रिबन में मिल जाएगी और नॉन रिबन में मिल जाएगी, बराबर। तो आप देख सकते हैं इसमें ये रिबन फीमेल है और दूसरी नॉन रिबन फीमेल है, और मेल सारे के सारे नॉन रिबन ही है। तो क्या प्राइस में आएगी अपने लिए? सो प्राइस तो भाई अपने व्यूअर्स के लिए खाली 230 रुपीज का पैर रहेगा, हाँ। नॉन रिबन का, ओके। और अगर फीमेल रिबन आप लेते हो तो 300 रुपीज का पैर हो जाएगा, जिसमें फीमेल रिबन और मेल नॉन रिबन रहेगा। ओके मैं सिर्फ इसमें एक चीज ऐड करूंगा भाई, वो ये है कि ये जो है इसका प्राइस अपने पास जो है मैं बताता हूँ, ये 180 से अपन सेल करते हैं, हाँ। बट ये जो लाइन है ये डेल्टा टेल की लाइन है, ठीक है। तो डेल्टा टेल की वजह से ये 230 रुपीज का पैर है, और 300 भी रिबन में मतलब एक हिसाब से चीप है, रिबन कॉस्टली आती है बट खाली फीमेल है, हाँ। और इसका पर्पस क्या है कि जिनको रिबन का लाइन ब्रीड करना है उनको नॉन रिबन का मेल ही लगेगा ब्रीड करने, बराबर। तो नॉन रिबन और रिबन है, और ये अपने पास 5 पैर नॉन रिबन है और 5 पैर रिबन है, ठीक है। सो किसी को रिबन चाहिए तो सिर्फ 5 ही पेयर्स अवेलेबल है उसमें, राइट जी, हाँ। 230 और 300, राइट, ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, और कुछ नया भी आया है? हाँ भाई ये नई स्ट्रेन है, हाँ, ये किंग कोई है, ठीक है, और ब्लैक आई में, ठीक है, दिखा देते हैं। सो भाई जैसे आप बता रहे थे किंग कोई हमने अभी निकाला है, हाँ। सो किंग कोई पहली बार मैं तो देख रहा हूँ, क्या है मतलब डिफरेंस वो एक बार बता दो। भाई अभी इसका ऐसा है क्या, लोग अल्बाइनो को ही बहुत ज्यादा मांग रहे, हाँ। तो ये इसमें अभी जिनको नहीं पता है उनको बता दूं ताकि वो लोग ले सके, और इसमें एक और न्यूज है वो आगे बता देता बोलते बोलते, ठीक है। एक चीज ये है कि ये ब्लैक आई में भाई, अच्छा तो मतलब कंपैरेटिवली मैंने ऐसे नहीं, मैंने इसके बारे में उनसे पूछा भी मेरे ब्रीडर से, उन्होंने बोला इसका इम्यूनिटी डबल टाइम्स उससे ज्यादा अच्छा है, ठीक है, अल्बाइनो नहीं है। और इसके फीचर्स आप देखोगे ना तो एकदम सिमिलर अल्बाइनो कोई जैसे ही है, प्रॉपर मेल भी वैसे रहेंगे फीमेल भी वैसी ही है, बट इतना है कि खाली ब्लैक आई में, ठीक है, ये है। और इसमें एक मसला ये भाई क्या, ये वीडियो में दिखाने के लिए खाली, अच्छा सेलिंग के लिए शायद अवेलेबल नहीं हो पाएगी, आपके थ्रू एक कस्टमर थे, हाँ। उन्होंने वीडियो के लिए रुके अपने, तो 10 के 10 पैर उनको चाहिए, तो बता दूंगा, बट फिर भी वीडियो के थ्रू भी पहले बता रहा हूँ, तो फिर भी प्राइस भी बता दो साथ ही साथ। भाई ये साइज की अपने को पड़ेगी ऑलमोस्ट, ये समझो ना क्या बोल दूँ इसका भी मैं, 400 रुपीज का पैर है ये,
400 का पेयर और कॉम्बो 700 का बेचेंगे अपने, 700 कॉम्बो। ठीक है, मतलब बुकिंग पे अभी है ना तुम्हारे जो वेंडर है उनके पास, लेकिन वेट करना पड़ेगा भाई एकदम, अपना इधर से नहीं आता, बाहर से स्टॉक आता है। हफ्ता 10 दिन, हफ्ता 10 दिन वेट करना पड़ेगा उसको। ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम भाई। इसमें क्या है? ये क्राउन टेल है भाई, ये तो पैकेट में नहीं दिखी। ठीक है, बताओ अमन भाई डिटेल बताओ इसका। सो भाई ये क्राउन टेल में गैलेक्सी है, मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊंगा क्या तुम मेरा वीडियो भाई अभी पता नहीं, अभी तुम बोल रहे हो तो मैं कंटिन्यू कर दिया वहीं। बताओ बताओ, क्राउन टेल गैलेक्सी। हाँ बराबर, क्राउन टेल गैलेक्सी, और इसका प्राइस अपन दे देंगे 230 रुपया पर पेयर। चलो ठीक है, 230 बोले तो फिर 230 से दे देंगे। चलो 250 से 230 से देंगे, नो कॉम्बो 230 से लेके जाओ। अच्छा ठीक है, मैंने प्राइस कम बोल दिया क्या? हाँ चलेगा। ठीक है, सो गाइज मेरे प्राइस कम बोलने की वजह से फायदा आप लोगों का हो रहा है, तो 230 रुपीज का ये पैर आपको मिल जाएगा, जो शायद कॉम्बो में रखने वाले थे मे बी, बट सिंगल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो सिंगल में ले लो, अमन भाई ने सिंगल में तो सिंगल। ठीक है ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। सो भाई ये शिपमेंट में तो नहीं था क्योंकि ऑलरेडी आपके पास आया हुआ था। हाँ ये ऑलरेडी आया था भाई। इसका क्या डिटेल्स है? ये भाई अपना गोल्ड ग्लास वाली शॉर्ट बॉडी में। ठीक है, ये अपने पास मैंने डायरेक्टली इसे ऑफर भी लगाऊं, ये 350 रुपीज़ पेयर है, लास्ट टाइम 700 रुपीज़ ट्राई हो दिया हूँ भाई। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्राइस है क्योंकि 20 पेयर अपने पास स्टॉक में है, तो अच्छे डिसेंट प्राइस में है। ठीक है, तो ये 350 रुपीज़ पेयर आएगा, और एक मिनट को मैं बताता हूँ। हाँ भाई, तो 350 का पेयर है, 650 के 2 पेयर जाएंगे। ठीक है, और 900 के 3 पेयर जाएंगे। अच्छा, मतलब पेट में तो बेबीज पूरा नजर आ रहे यार, वही तो खासियत है। अगर इस साइड तो नहीं दिख रही ना, उसका आगे के जो मतलब अंदर के पार्ट से ना वो भी दिख रहे हैं। हाँ ये देखो 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 देखो, वो ब्लैक वो बेबीज की आईज है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये रुक नहीं रही है ना, मैं तुम्हें और अच्छे से दिखाऊं। ग्लास बेली का मेन वही तो चीज है भाई, सी थ्रू रहता ना वो। सो आप देख सकते हैं गाइस, इसके स्टमक में पूरे बेबीज नजर आ रहे हैं जो अच्छे डेवलप हो गए, और थोड़े ही दिन में वो डिलीवर भी कर देगी शायद, मेरे पास ही हो जाएंगे भाई। हाँ हो सकता है शारिक भाई के पास हो जाए, आप देख सकते हैं इधर, अगर ये साइड फेस करके रुके तो आप देख सकते हैं उसके स्टमक में पूरे बेबीज नजर आ रहे हैं। ये कुदरत है, बाकी फिश में आप नहीं देख पाते बट इनका सी थ्रू जैसा रहता है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप रहता है, ग्लास वैली इसीलिए ही बोलते हैं इसको। सो आप देख सकते हैं पूरा नजर आ रहा है उसमें से। सो भाई इसका प्राइस तो आप अलग बताओगे ना, एक देख सकते हैं बेबीज। दो है मेरे पास फीमेल, लोडेड के लिए लोग बहुत आते हैं, तो लोडेड देंगे अपन, क्योंकि लोडेड बाय ट्रांसपोर्टेशन में भेजना भी इशू है। शारिक भाई से कुछ बातें जैसे शिपिंग वगैरह के बारे में वो बताएंगे, और आप देखिए कितने प्यारे लग रहे प्लैटिनम डम्बोज यहाँ पे। सो भाई, अरे भाई क्या कर रहे हो, वीडियो हुआ नहीं अपना, तुम टाइम पास कर रहे हो यार। व्यूअर लोग के वीडियो के लिए कर रहा हूँ भाई। क्या है क्या उसमें? अरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, इसका लास्ट टाइम अपने को अच्छा रिव्यू आया। किसका? अच्छा ब्राइन श्रीम से भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ। मतलब सोचा था 100-150 ग्राम कुछ के रखूंगा, बचा है ऐसा नहीं क्या खत्म हुआ, लेकिन अच्छा खासा सेल हो गया, अराउंड 300 ग्राम के आसपास सेल हो गया। अच्छा तो अभी अवेलेबल है आपके पास एकदम फ्रेश माल, नया माल? फ्रेश है। ठीक है, एक मिनट खाली जरा मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो भाई जैसे आगे की जो बात हमें करनी थी आप बता दो एक बार। भाई अभी फीड तो आपने दिखा दिया। हाँ। मैं अभी लाइव फीड है मांग रहे। तो ये और लास्ट टाइम प्राइस नहीं बताया था, 350 रुपीस का आएगा ये 25 ग्राम्स। ठीक है, और 50 ग्राम्स का है 650। ठीक है, और 100 ग्राम्स आप लेंगे तो 1200। ओके ठीक है, और बाकी शिपिंग वगैरह के बारे में और फिशेस के बारे में भी बता दो। शिपिंग का तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, लोग मैं बोलूंगा कि आप लोग ऐसा मत पूछिए शिपिंग होगा कि नहीं, ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा। और जो लोगों को अगर कुरियर के बारे में मालूम है, आपके यहाँ प्रोफेशनल या डीटीडीसी कुरियर है तो हो जाएगा।
ठीक है, और कुछ चीजें अपन ने नहीं कवर की थी वो आप बताने वाले थे भाई, अपने पास L144 ब्लैको है, हाँ, सुपर रेड है और एक माइल्ड ऑरेंज करके, ठीक है। सुपर रेड का पर पीस आएगा अपने को 400 रुपीज, ठीक है, 1.5 से ऊपर ही आपने खुद देखे, हाँ, 1.5 के ऊपर है, उससे भी बड़े पीस है उसमें, बट सेम प्राइस 400 फ्लैट है भाई, होलसेल रिटेल सेम है। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप प्राइस निकाल लो चीज़ उसका, प्राइस थोड़ी एक्सपेंसिव है, 400 रुपीज है और माइल्ड ऑरेंज वाली 350 रुपीज पर पीस आएगी, ठीक है, उसका क्लिप मैं दे देता हूँ, वो आप ऐड कर देना। और दो पैर अपने पास टाइगर के भी है, हाँ, दो पैर टाइगर है, रेड टाइगर, वो 400 रुपीज पैर ही सेल होगी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बोलते ना अभी महीने सवा महीने में 30-35 पैर तो सेल कर दिया हूँ, हाँ, अभी ये लास्ट कल फीमेल नहीं थी, अपने व्यूअर लोग भी खुद देख रहे होंगे तो खुद से बोलेंगे क्या अच्छा है, एक मैं भी हूँ उसमें से, हाँ, कमेंट कर सकते हैं जो लोग रीड किए, हाँ, एक मैं भी हूँ, अच्छा रिजल्ट है उसका। एक और चीज है भाई, मैं भी तुम्हारे को बताना भूल गया, एक अपने पास एक स्ट्रेन है, वो मेरे को इंक्वायरी करे तो बता दूंगा, ये गोल्ड वाली जो दिखा है ना, वैसा एक शॉर्ट बॉडी में येलो कोई आई है, अच्छा, हाँ, वो एक जगह से मेरा बात हुआ था, तो उसके 3 पैर है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, प्राइस और उसके लिए और वीडियो के लिए मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है, वो ग्लास वैली में येल्लो कोई, ग्लास वैली है क्या, नहीं ग्लास वैली है शायद, मैं वो कंफर्म करूंगा, लेकिन येलो कोई आती नहीं ना, येलो में कोई है, हाँ, ठीक है, शॉर्ट बॉडी है, नॉर्मल है, वो थोड़ा मेरे को डिटेल्स अभी आया है, बट वीडियो को भी टाइम लग जाएगा, बाद में चेक करके मैं बता दूंगा, तो जो भी आपको पर्सनल कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है, और जैसे मैंने लोगों को बोला था लास्ट तक देखना एक चीज बताने के लिए, वो भी है, बट एक और चीज थोड़ा बात नहीं किया तो बोल देता हूँ भाई, थोड़ा कुछ चल रहा था, मतलब बिजी भी चल रहा था, तो एक दो टाइम का थोड़ा गिव अवे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पेंडिंग है, बट मैं क्या बोलते हैं, 1-2 दिन में जैसा भी आप वीडियो डालोगे तो समझो ना ट्यूजडे तक का, वेडनेसडे तक का, ट्यूजडे वेडनेसडे मैं अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर दूंगा, ठीक है, जो प्रीवियस दो थे उनका, हाँ, जो प्रीवियस दो थे उनका, और अभी का क्या है, अभी ये वीक में मत रखो भाई, ये वीक में नहीं, नहीं नहीं ये वीक में मत रखो, थोड़ा एक्चुअली मेरे से हैंडल थोड़ा आगे पीछे हो गया, दो पेंडिंग है, पहले उसको थोड़ा पटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वीक स्टॉक भी ज्यादा नहीं है, रिबन नॉन रिबन करके, तो स्टेन भी कुछ मेरे साथ 7 या 8 ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम भाई, हाँ, वो है, और बेटास के लिए भी क्वेरी थोड़ा है, तो बेटास में सिंगल पीस है, वो जो भी रहेगा मेरे को वीडियोस के लिए पूछ लीजिए, जो अवेलेबल है बता दूंगा, नया स्टॉक कुछ भी नहीं है फिलहाल बेटास में, ठीक है, ठीक है भाई, आपका बताना है क्या, हाँ, वो तो बताना ही है ना भाई, ठीक है, 1 मिनट को बता दो, तो ये भाई अमान भाई के परचेज है, बहुत टाइम के बाद दिखा रहे अमान भाई, प्लैटिनम डम्बो, हाँ, बीच में कुछ पीसेस फिशेस लिया ना भाई, तुम इतना सिलेक्टेड पीस लेके जाएंगे, अरे ऐसा मत बोलो यार, मैंने बोली कि अमान भाई पहले वीडियो बनाना थे अच्छे पीस ले, नहीं यार गाइस ऐसा कुछ नहीं, प्लैटिनम डम्बो यार मैं मैक्सिमम जैसा था, हाँ, 20 पैर वैसे ही है, सर, ठीक है, अगर आप बोल रहे हो ना सिलेक्टेड है, तो ये थोड़ा नजदीक से दिखा दो, और जो अभी वहां पर दिखा है गाइस आप मैच कर लेना, क्वालिटी में कुछ भी फर्क नहीं है, हाँ, रुको मैं दिखा देता हूं, यही चीज है जो वहां पे आपको देखने मिली है, सो नो डाउट मैंने सिलेक्ट तो किया हूं भाई, मैं भी कस्टमर ही हूं ना, फाइनली सिलेक्ट किया हूं, बट और मेरे को लेने 3 ही पैर थे, तो 3 पैर और भी इनके पास बहुत अच्छे अच्छे सारे पैर थे उसमें, सब एक जैसे थे, तो लाइन काफी स्टेबल मुझे लगी, उस वजह से मैंने ना चाहते हुए वापस से प्लैटिनम डम्बो ईयर्स ले ही लिया इनसे, भाई हंसो मत, कुछ बोलो आगे, नहीं अच्छा है ना भाई, शौक है तो अभी क्या कर सकते हो, जगह नहीं रहती है वो बात अलग है, मतलब अभी बहुत टाइम के बाद परचेज करना, तो तुम्हारा एक डायलॉग रहता है भाई, जगह नहीं है बट फिर भी और क्वालिटी है तो छोड़ नहीं सकते, वही मसला हो रहा है अभी भी समझो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने दिल पे पत्थर रख के छोड़ दिया था, मैं बोला था बहुत अच्छी क्वालिटी है गाइस ले लो, भाई मैं भी खुद बोलता हूँ अभी ये मेरे हिसाब से बड़ी बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-3 दिन में अंदर सेल हो जाएगी भाई, 20 पेयर भी कम पड़ता है ऐसा, क्योंकि मैंने 30-40 का ट्राई किया, अवेलेबिलिटी में 20 ही थे, चलो कोई नहीं, देखते हैं कौन लकी कस्टमर ग्रैब करते हैं, हाँ 3 तो मैंने ले लिया हूँ अभी, सो आप मेरे को उसके लिए ब्लेम मत करना, अगर आप लास्ट में आए तो ठीक है, मैंने ऑलरेडी ले लिया, लेकिन ब्रीड होंगे तो आएंगे आपके पास ही आएंगे, शारिक भाई के पास आएंगे, उसके थ्रू आपके पास ही आएंगे, डोंट वरी, इंशाल्लाह अगर हुआ तो, और बाकी नहीं भाई ज्यादा क्या बोलते हैं, 2-3 टाइम से थोड़ा कम बात कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि टाइम अपन ऐसा, इंशाल्लाह एक साथ सिलेक्ट करेंगे, हाँ फिर अच्छे से बात करके सारी चीजें बताएंगे, बातें कम करने मिली तो मजा नहीं आता लेकिन स्टॉक तो आपने देख ली, हाँ स्ट्रेंज है अच्छे भाई, लेकिन कुछ ये बार कैसा है क्या, पब्लिक का जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से मंगा है, सेल हो जाए तो फिर इंशाल्लाह आगे भी, और मेरे ब्रीडर के यहाँ भी थोड़ा कुछ पानी का चेंजिंग का काम चल रहा था, तो अभी थोड़ा स्ट्रेन उनकी क्वालिटी मेंटेन कर रहे, इम्यूनिटी का भी पहले बताया था, तो काम चल रहा है, चला 1-2 महीने में सेटल हो जाएगा तो अच्छे खासे स्ट्रेन मिल जाएंगे,
ठीक है सो भाई, आज का यहीं पर अल्लाह हाफिज करते ठीक है भाई, चलो अल्लाह हाफिज। सो बस गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कौन सा स्ट्रेन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये भी कमेंट करना है इस बार। मैं कभी ऐसा बोलता नहीं हूँ, बट इस बार मैं बोल रहा हूँ कौन सा स्ट्रेन आपको अच्छा लग रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिस भी फिश में आप इंटरेस्टेड है शारिक भाई को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी फिश कीपिंग।